अनुपमा के सपने को बापूजी ने दे दी एक पहचान। अब पक्का पूरा होगा अनुपमा का ये सपना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बापूजी और अनुपमा का प्रेम हम शुरू से जानते हैं। एक ऐसा प्रेम जो बाप बेटी के बीच में होता है, वो बात अलग है कि बापूजी अपनी परेशानियां अनुपमा से छुपा नहीं पाते हैं और उसको बता देते हैं, जबकि पता है कि ये सब होगा। मगर इस सब के बीच में बापूजी वो कर जाते हैं जो अनुपमा को सच में दिल तक लगता है और अनुपम उसके पीछे जाती है, चाहे वो परेशानी हो चाहे वो ड्रीम हो। तो बापूजी ने ना सिर्फ परेशानियां डाउनलोड की बल्कि अनुपमा को ये भी कहा कि मैं तुम्हें कहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो अगर डाउनलोड परेशानियों के ऊपर अनुपमा काम करती है तो इस सपने के ऊपर भी अनुपमा काम करेगी। तो बात करते हैं इसके बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बापू जी ने अनुपमा से कहा कि मैं टाइम्स जो काफ़ी फेमस है वहाँ पर उस पर तुम्हारा बड़ा सा बैनर देखना चाहता हूँ। ये हर किसी का सपना होता है कि मैं फेमस हो जाऊँ, मेरे बारे में चर्चा हो, मैं फेस बन जाऊं। तो वही बापूजी का है और बापूजी का सपना सही है, क्योंकि हम सब भी यही सोचते हैं कि अनुपमा एक बड़ी पर्सनैलिटी बने। अनुपमा ये नहीं देखना चाहते, हम बहुत देर होगी ये देखते हुए, अब हम अनुपमा को वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे बापूजी चाहते हैं। और ये बात अब अनुपमा को बापूजी ने कही है, वो जोशी बहन वाला जो जोश है वो दिया है। तो अब अनुपमा अपनी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो उसको डाउनलोड की गई हैं बापूजी के द्वारा, वो प्रॉब्लम्स और यशदीप की प्रॉब्लम को हैंडल करते करते साथ में अपने सपने को भी आगे लेके जाएगी, क्योंकि अब ये सपना पूरा होगा, क्योंकि बापूजी ने ये सपना फिर से अनुपमा को रिमाइंड करवा दिया है। तो ऐसी जो एनकरेजमेंट वाली बातें होती हैं जब अनुपमा के साथ होती है तो अनुपमा की डिटर्मिनेशन और पक्की होती है, और इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी जो बापूजी ने कहा है वो होगा। तब ये वनराज शाह देखता रह जाएगा कि बाप तो ये मेरा है, मगर एनकरेजमेंट सारी अनुपमा को मिलती है। जो बा कह रही थी कि तू क्यों अपना खून जला रहा है, ये तो तुझे पता है ऐसे ही है। तो ये पूरा का पूरा जो सीन जो हमने देखा है अनुपमा और बापूजी के बीच में, इसमें परेशानियों की डाउनलोडिंग के साथ साथ एक ऐसा सपना भी था जो बापूजी ने देखा हुआ था, मगर उस सपने को जब उन्होंने सामने देखा कि उस जगह पे किसी और का पोस्टर है, यहाँ पे मेरी बेटी का पोस्टर होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, वो जो है वो बात बहुत बड़ी है। तो देखते हैं कैसे होता है, बाकी मुझे लगता है कि ये तो होगा। आप क्या कहते हो कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.